चलो गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड नून बच्चों, आफ्टरनून गुड नून जो भी लेना ले लो। चलिए आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? क्या आवाज मेरी सभी को क्लियर आ रही है? ठीक है, हाँ ऐसे रिप्लाई कीजिए सबको, यस नो कुछ करके। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोल के बारे में पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, मास से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी एक दो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तब एक चीज समझिएगा बेटा कि आपको हर चीज ऐसे खाने में परोस कर नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, मेहनत करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। आपको एक बार चीजें नहीं समझ में आती है, दो बार पढ़ो, दो बार में नहीं आती, तीन बार में पढ़ो, जब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी आपका क्या बिल्कुल स्टार्ट है। अभी आपके इसी पर्टिकुलर चैप्टर में मैं कम से कम 14 लेक्चर, 15 लेक्चर, 16 लेक्चर लगाऊंगा, जानबूझ के लगाऊंगा, और है तो 7-8 लेक्चर का टॉपिक आपके। ठीक है, तो जानबूझ के इसलिए डबल ले आता है ताकि आप लोग बिल्कुल जो 10th में आपने जो पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, बुक्स पढ़ा है, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है ये सारी चीजें। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लियर करने के लिए, अभी भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी कंपलसरी है, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथ में फिर भी अवॉइड कर सकते हो, केमिस्ट्री में कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक है चाहे ऑर्गेनिक हो, कोई पोर्शन आपको एनसीईआरटी कंपलसरी है। ठीक है, और लेवल की जहां तक बात रही तो आपने भी देखा होगा मैंने बिल्कुल बेसिक्स और स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, मतलब जीरो से स्टार्ट किया है कि जिसने मूल अगर नहीं भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसको भी एटलीस्ट समझ में आ जाए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देखे, नोट्स मंगा ले बच्चों से, उसको एक दो बार दोबारा देखे, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल करके डाउट क्लास अलग से ले सकते हो मेरी। ठीक है, आप प्रेम सर को या विमो सर को कॉल करके आप मेरा अलग से डाउट क्लास ले लेना। ठीक है, आपको डाउट क्लियर कर दूंगा अलग से, सारी चीजें दोबारा रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आप फिर प्रॉब्लम से अपने भाग रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। अभी आप नहीं पढ़ोगे, आपको अगले साल पढ़ना पड़ेगा, और अभी का अगर लॉकडाउन है, अभी जान लीजिए आप कि मोस्ट ऑफली कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं घर पे ही आए हुए हैं, सब छुट्टी मना रहे हैं, आराम से मौज काट रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, ओपन होगा, आपका लगातार ऐसे बैक टू बैक पेपर पड़ेगा, तो उसमें सक्सेस वो होगा जिसने इस छुट्टियों में को यूटिलाइज किया होगा। ठीक है, आपका इस टाइप से प्रॉपर क्लासेस चलती हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की। अभी जैसे जैसे आप यूज होने लगेंगे, आपकी क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपको थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा, थोड़ा ज्यादा होमवर्क, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे धीरे धीरे चलेगी चीजें। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही अचानक से आए, मान लो 1 लेक्चर 2 लेक्चर किसी का छूट गया है, ठीक है, आप उन वीडियो लेक्चर्स को एक बार देख लिया, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उसको दोबारा देखो, कुछ तो समझ में आएगा, तीसरी बार देखो, कुछ तो समझ में आएगा। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ क्या समझ में नहीं आया, तब आप उससे डाउट ले। ठीक है, जब आपको ये पता चले कि हाँ ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, जैसे एक बच्चे ने मुझे पर्सनली कॉल किया था, उसने ये मुझसे पूछा था कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं तो एटम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें कैसे हैं। ठीक है, देख छोटा माइनर सा डाउट है ये, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां भी मैं मॉलिक्यूल लिखूंगा क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है इसके साथ। ठीक है, एक बच्चे ने और पूछा था कि हम मॉलिक्यूलर वेट एएमयू में ले रहे हैं, मोलर वेट ग्राम में ले रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसको भी मैंने बताया था कि किस टाइप से दोबारा से कैलकुलेशन करनी है, एएमयू को कैसे ग्राम में कैलकुलेट करना है, उसको हम ग्राम में क्यों ले रहे हैं, एएमयू में क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें जो आपको डाउट है आप पूछोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था जो दूसरे बैच में, अगर बहुत ज्यादा होगा तो दूसरे बैच में कोई इनिशियल स्टार्ट सिलेक्शन चल रहा होगा, वहां आपको अरेंज कर दिया जाएगा कि वो लेक्चर आप वहां अटेंड कर लो, मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ लो। लेकिन अगर आप भागोगे इस चीज से तो कहीं नहीं भाग सकते आप। सिंपल सी बात ये बताओ, आप ये एक सोच रहे हो कि IIT की तैयारी बहुत टफ है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इजी ही है, टफ थोड़ा है लेकिन एफर्ट के ऊपर बेस है। आप रेगुलर रोज 6 घंटे 7 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बनती है। पहले आप सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि आप अपना 10-15 दिन का टारगेट बनाओ। ठीक है, 6 घंटे बैठने का, क्लास के बाद 5 5 घंटे ही बैठने का टारगेट बनाओ। आप 15 दिन का टारगेट बनाओ कि 5 घंटे आपको बैठना है। 5 की अगर 6 करोगे तो इसलिए ज्यादा मैं 6 के लिए कह रहा था कि आप 2 घंटे फिजिक्स को दे लोगे, 2 घंटे मैथ्स को और 2 घंटे आप केमिस्ट्री को सेपरेटली देना। ठीक है, 2 घंटे फिजिक्स को दे दो, 2 घंटे मैथ्स को, 2 घंटे केमिस्ट्री को। आपको 15 दिन तक कोई भी प्रॉब्लम है 15 दिन तक हिलना नहीं है, आपको ब्रेक नहीं करना है ये कॉन्टिन्यूटी 6 घंटे बाद। ठीक है, 6 अगर नहीं हो रही हो, किसी की सिटिंग कम है तो 5 घंटे कर सकता है। कैसे कैसे? 1.5 घंटे 1.5 घंटे और 1.5 घंटा, बचेगा जो आधा घंटा उसमें सबको समराइज करके आंख बंद करके सोचना है। ठीक है, तो आप जैसे हमारी क्लास होती है, एक या दो क्लास आप लोग की पर डे होती है, उसके बाद आप इस टाइप से डिवाइड कर लो, क्योंकि आपके पास होमवर्क ज्यादा नहीं है। तभी होमवर्क ज्यादा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको कुछ मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला कि ये 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये 1.5 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, मेरा नोट्स रिवाइज करना है, होमवर्क आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, अभी ज्यादा बर्डन मिलेगा नहीं आपको, आप 10th की बुक पढ़ लो दोबारा से। ठीक है, अगर आप मोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तो जो जो पढ़ाया आपको एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ जाओ, एक बार गो थ्रू कर जाओ, आपको बस हेडिंग हेडिंग पता चल जाएगी बस। उसके बाद आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा, जब मैं नाम लिखूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने सुना है, ये मेरे बुक में है। तो जब मैं पढ़ा करके आगे आऊंगा तो आप दोबारा पलट के देखोगे तो आपको 1.5 घंटे वही करना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के फॉर एग्जाम्पल के एक एक दो दो क्वेश्चन होंगे, उसको अटेम्प्ट कर लो, फ्री हो जाओ दोबारा से रिवाइज कर लो, और फ्री हो जाओ फिर 9th 10th की किताबें एक बार उठा करके देख लो। बहुत कुछ है, एनसीईआरटी इतनी अल्टीमेट बुक है केमिस्ट्री की, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, जितनी बार आप अगर कहोगे एक बार मैंने पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ना, आप दोबारा पढ़ो उसमें आपको एक पॉइंट अलग मिल जाएगा सर, कुछ ना कुछ जो पहले आपको नहीं दिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि उस बुक को क्या 20-25 राइटर एक साथ मिलकर लिखते हैं, 20-25 राइटर है, वो जब समराइज करके लिखते हैं तो 20 लाइन की जो चीज होती है वो आधे लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो उनकी आधी आधी लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो आधी लाइन में बहुत कुछ लिख जाते हैं, और लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन लिख के वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि खुद से सोचो। ठीक है, तो वो एक्चुअली में खुद से सोचने के लिए ही क्वेश्चन होता है। अगर आप उसको किसी रेफरेंस बुक में आप देखने जाओगे, किसी एक डेफिनेशन या एग्जाम्पल को पन्ने भर में बता रखा होता है, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, इतनी मोटी मोटी 2 किताब होती है और काम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रखी है, मेरे पास भी किताब रखी है, ओपी टंडन है और रेडी लिए है, और दुनिया भर की फिजिकल ऑर्गेनिक की रखी हुई है, उस चैप्टर को आप खोजना पलटना शुरू करो। ठीक है, उसके मुश्किल नोट्स के अलावा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक या दो चीजें अलग मिलेंगी, बाकी सब वही मिलेगा। मैं आपको समराइज करके लिखाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा है, आपको वो पढ़ोगे उसको तो पूरी गाथा लिखी होती है लंबी चौड़ी। जैसे एक प्रदीप आती है, बहुत पॉपुलर किताब है ये, ठीक है, हमारे टाइम बहुत थी, यूपी बोर्ड के बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, उसमें आपका बहुत सारी कथा कहानी लिखी होती है। जैसे आप फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको HCVD कमेंट की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइसली बुक लिखी हुई है। उसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके हर टाइप तक के, मतलब आप स्टार्ट करोगे 0 से लेकर के 100 तक के सवाल है अगर आप HCVD करना स्टार्ट करोगे। ऐसे फिजिकल में आप नरेंद्र अवस्थी अगर करोगे तो उसमें भी बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, उसमें लेवल 1 लेवल 2 फिर मैट्रिक्स टाइप, उसको भी आप धीरे धीरे अप्रोच कर सकते हो। तभी जब मूल कॉन्सेप्ट चलेगा तो आप नरेंद्र अवस्थी बुक अगर प्रेफर कर सकते हो कर लेना, उसमें लेवल 1 के 150-150 सवाल हैं, आप रोज 5-7 क्वेश्चन ही करना, जितना मैंने काम भर का पढ़ाया है बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जबरदस्ती बर्डन मत लेना, अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ। ठीक है, लेकिन आप अगर सोचो कि भाग जाओगे तो वैसा
ट्राई मत करना, बस आना पड़ेगा ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि स्टार्ट किया है बहुत टफ एग्जाम है कुछ नहीं होने वाला है, जितना आप भागोगे आपको कहीं कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप अगर एग्जाम में कूदे हो या फिर आप 12th दे रहे हो ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आप उस पीरियड में ठीक है। तो कोई फ्रस्ट्रेट या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लास से पढ़ाया जाए आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए दो बार तीन बार, उससे रिलेटेड डाउट है बेटा। होमवर्क कभी नहीं मिल रहा आपको, एक या दो क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ आप होमवर्क में क्या करो, नरेंद्र मिस्त्री के लेवल 1 के मैं क्वेश्चन आपको टिक करा दिया करूंगा ठीक है। अच्छा मैंने दिया था, अच्छा मुझे नहीं याद है मैंने दिया था ठीक है। मैं आपको एन अवस्थी के लेवल 1 के क्वेश्चन को ही 5-7 क्वेश्चन आपको हर लेक्चर में टिक करा दिया करूंगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। इसके अलावा आप एनसीईआरटी 9-10 की उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, अभी टाइम खूब मिल रहा है। तो आप एनसीईआरटी को जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ जाओ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया उसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी अच्छी सी किताब लिखी हुई है केमिस्ट्री वाली। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियडिक टेबल हो गया और मोल कॉन्सेप्ट ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ही है खाएगा थोड़ी में क्या जाता है, तुम अफसोस तो नहीं करोगे कि पढ़ लिया होता तो शायद निकल जाता पेपर, तो ये तो नहीं रहेगा, नहीं निकलेगा देखा जाएगा। लेकिन ट्राई मारने में क्या जाता है, अगर निकल गया तब ठीक है। इसलिए आप ट्राई करते रहो, जितना ज्यादा आप एफर्ट करोगे क्या पता फ्यूचर किसने देखा है ठीक। मुझे क्या पता था कि 10th क्लास में जिसको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता था वो केमिस्ट्री का मास्टर बनेगा ठीक है। ये 10th क्लास में पास करके गया था कोटा में, तो मुझे रियलिटी में कोई केमिकल इक्वेशन समझ में नहीं आती थी, बस ये था कि कोई मिल गया पढ़ाने वाला टीचर अच्छा समझा गया, वो एक तो बच्चे मिल गया अच्छे जो फ्रेंड थे वो ऑर्गेनिक अच्छी समझा दी उन्होंने, हो गया काम ठीक है। तो आप एफर्ट करना शुरू करोगे रास्ते में कोई ना कोई आपको पढ़ाने वाला मिल जाएगा, टीचर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ाने के लिए ठीक है। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था सर, किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन सर कैसे बनाई जाती है सर? वो बेटा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, मोल में जैसे हुआ आपको कई सारी रिएक्शंस मिलेंगे जो आप मोल में याद कर लोगे, 2-4 जो भी काम की रहेंगी मोल में याद कर लोगे। फिर पीरियडिक टेबल स्टार्ट होगा, वहाँ एक दो बताई जाएगी, फिर जैसे केमिकल बॉन्डिंग आएगा वहाँ, उसके बाद फिर एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरे पीरियडिक टेबल के अलग अलग रिएक्शन लिखने जाएगी, तो आपको मिलेगा पढ़ने में। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको धीरे धीरे मिलेगा ठीक है। तो अभी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ बेटा सोलोमन बुक भी ठीक है, मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ आप वैसे उसी ऑर्डर में पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपके पास चीजें ऐड होती जाए ठीक है। चलिए बताइए लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, सर कैलकुलेट नंबर ऑफ ओ एटम्स इन 34.2 ग्राम ऑफ Al2SO4 का होल प्राइस। दोबारा का क्वेश्चन बोलेगा, नंबर ऑफ ओ एटम्स इन 34.2 ग्राम ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा नंबर ऑफ एटम पूछा था Al2SO4 का होल थ्राइस, वेट आपको कितना गिवन था 34.2 ग्राम,
ठीक है। चलिए तो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ओ एटम। हाँ ठीक, एटम भी निकाल लेना बेटा, को 34.2 ग्राम दिया है। तो एक रास्ता ऐसा होता है, हमें अगर मोल पता है, मतलब अगर हमें वेट पता है, वेट से मोल की तरफ आना है, तो क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वेट से मोल से वेट की तरफ जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे इधर नंबर ऑफ एटम है, मोल से अगर हमें क्या क्या, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां से अगर हमें इधर जाना है तो हम एन ए से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इधर से इधर आना है तो हम क्या करते हैं, एन ए से मल्टीप्लाई करते हैं। एन ए का मतलब क्या, आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है कितनी, 6.02 × 10^20, ठीक है। देखिए ये आपके गांव का चौराहा है, आप इधर से इधर सीधा कूद भी नहीं जा सकते, आपको यहां से पहले यहां आना पड़ेगा, यहां से फिर यहां जाना पड़ेगा। बात समझ में आई, आप सबसे पहले अगर आपको वेट दिया तो पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, इसको आप क्रॉस करके सीधा यहां नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो वेट से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, अगर वेट आपको दिया तो मोलर मास से डिवाइड करो, ठीक। मोलर मास का मतलब क्या होता है, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालो और उसको ग्राम में लिख दो तो आपको मोलर मास आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, Al2SO4 का होल 5, ठीक है। इसमें एटम कितने, दो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27, सल्फर का क्या होता है, 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। एक एटम का वेट इतना होता है, 27 AMU, 32 AMU, 16 AMU, ठीक है। मोलर मास निकालना है इसका, एल्यूमिनियम कितने हैं, दो, दो एल्यूमिनियम का वेट कितना होगा, 54, प्लस सल्फर कितने दिए, देखो टांगों में इसके तीन लिखा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो तीन सल्फर एटम हो गए, एक सल्फर एटम का मास कितना है, 32, तो तीन का मास कितना होगा, 96। ऑक्सीजन कितने हैं, तो चार इसका पहले थे, नीचे टांगों में तीन लिखा है, तीन को इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल आइटम कितने हो गए, 12। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 × 12, यानी 12 × 6 = 72 और 12 = 192, जोड़ दो सबको, 6 × 4 = 10, 2 = 12, 9 × 18 = 5 = 23, 6 × 24 = 24, और 2 × 1 कितना आया, 342 ग्राम, ये आपका मोलर मास आ गया, ठीक है। चलिए अब मोल निकालते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो आपका वेट कितना दिया, 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 342, यानी कितना है बेटा, 1/10 मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल, अब हमें नंबर ऑफ एटम पूछा होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोल से क्या निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा है ये कितने हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम किस पे जाते हैं, नंबर ऑफ एटम। चलिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे अप्रोच करना है। 0.1 मोल से हम किस पे गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। मोल से किस पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए से, यानी कितना मोल है हमारे पास, 0.1 मोल का मतलब क्या हुआ बेटा, 0.1 × NaMol, ठीक है। Na क्या है, नंबर है, सिंपल, वो नंबर क्या है, इतना बड़ा सा नंबर है और कुछ नहीं है, जैसे एक दर्जन में 12 नंबर होते हैं वैसे ही Na में इतने नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में मतलब सिर्फ अकेला ये जब होता, इसमें ऑक्सीजन कितने है हमारे पास, 12 है, 12 ऑक्सीजन है, अगर अकेला मॉलिक्यूल होता, मतलब वन मॉलिक्यूल के पास कितना है, 12 ऑक्सीजन एटम,
तो 0.1 इनटू एनए मॉलिक्यूल के पास कितना होगा, तो 0.1 इनटू एनए के पास कितना होगा, आंसर आएगा 12 इनटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय एनए ऑक्सीजन एटम। कर लो कुछ डाउट है तो पूछ लो, कर लो कुछ डाउट है तो पूछ। हाँ जी बताइए। सर क्या बताना है, आवाज नहीं आ रही थी, माइक ऑफ था आपका। अच्छा नोट कर लिया सबने, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो वेट से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला आया था वो कैसे आया था। हमारे पास क्या था कि अगर सपोज कर लें कि मोलर मास आपका एम ग्राम है, एम आपका क्या है, मोलर मास। अगर एम ग्राम आपका मोलर मास है, ठीक है, तो एम ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, वन मोल होगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं H2O 18 ग्राम ले लूं, कितना ले लिया मैंने 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम का मतलब क्या है, इसके एक मोल का मास ही तो लिखा हुआ है। मोलर मास हम किसे कहते हैं, यूनिट मोल का मास जो होता है उसे मोलर मास कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन सीखा था ना कि वन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन ग्राम की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। तो वन मोल का मास कितना है, मोलर मास के बराबर यही होता है। दैट मींस अगर एक ग्राम हम लेते हैं तो उसमें कितने मोल आएंगे, तो वन बाई एम मोल आएंगे, ठीक है। तो अगर डब्ल्यू ग्राम हमने लिया है, तो कोई भी गिवन हमने ग्राम अमाउंट लिया, तो डब्ल्यू बाई एम मोल हमारे पास, यहां से वो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसको सबसे सिंपल टर्म में आप समझिए, ये लिखा क्या हुआ है,
वेट अपॉन जो मोलर मास होता है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या फिर जितना आपको गिवन मास दिया हो अपॉन मोलर मास, ये भी हमारा क्या होता है नंबर ऑफ। चलिए नोट कर लिया सबने। ठीक है चलिए, अब हम ये चीज गैस के लिए पढ़ते हैं, गैस में कैसे अप्लाई होता है। एक हमको एक वाई मैप बनाना है, बाद में हम उसी को याद करेंगे और उसी के साथ चलते रहेंगे। सर हाँ जी सर, उस पे जाने से पहले आपने जो तीन क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक नहीं आया सर, वो भी बता दो। अच्छा और उसके अलावा हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन और दिया था सर। जो क्वेश्चन आया नहीं है वो तो ये है, व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ SO3। ठीक चलिए, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। चलिए समझते हैं, SO2 है हमारे पास, इसके पास कितने ऑक्सीजन है 1.2 NaO एटम। ठीक है, आप एक चीज बेटा रखिएगा, हमेशा स्टेप में अप्रोच रखिएगा। आपको इसका क्या पूछा है, मास पूछा है। ठीक है, आप इस चराहे वाले डायग्राम पे दोबारा आओ, फिर आपसे क्या है मोल है, इधर क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था या पार्टिकल था, जो भी कह लीजिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, फिर इधर क्या था वेट था। हमें क्या दे रखा है, SO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1.2 Na है। ठीक है, तो अगर जितने ऑक्सीजन एटम है अगर इनकी पेयरिंग कर दो तो इसका मतलब SO2 के हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। देखो एक SO2 में कितने ऑक्सीजन है, दो, ये क्लियर है। ठीक है, तो 1.2 Na अगर आया है तो दैट मीन्स SO2 हमारे पास कितना रहा होगा, 0.6 Na SO2 रहा होगा। बेटा इससे बताइए कोई दिक्कत है, ये मैंने कैसे निकाला। हाँ सर समझ में आया या बताऊं सर, एक बार वापस बता दीजिए। देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास चार ऑक्सीजन एटम है, किसके हिसाब से, SO2 के हिसाब से। मैंने SO2 मुझे बताना है कितने मॉलिक्यूल मैंने लिए, कि हमारे पास चार ऑक्सीजन एटम आए तो क्या आंसर बताओगे। मैं कितने SO2 लूं कि चार ऑक्सीजन एटम मेरे पास आने चाहिए, बताइए आप इस बताइए जिन्होंने पूछा था, दो। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 1.2 के बराबर है, चलिए एक और फिर मैं पूछता सवाल, मैं कितने SO2 लूं कि मेरे पास ऑक्सीजन के कितने हैं 100 एटम है, तब क्या आंसर आएगा। 50 कैसे पता चल रहा है हमें, 50 कि यहां से जितने ऑक्सीजन निकले हैं उसका यहाँ 2 times करो तो ये ऑक्सीजन एटम आ जाने चाहिए, यहीं से हमने ये निकाला। तो आप बेटा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग के साथ, हम लोग ये केमिस्ट्री वाला ये टर्म देख के डर जाते हैं कि क्या पूछ लिया बेटा, ये जैसे ये गिनती चल रही है ना, बस ये गिनती है, थोड़ी बड़ी सी गिनती है। अब केमिस्ट्री में है तो छोटे छोटे हैं तो उनको देखने के लिए तो बड़ा करना पड़ेगा ना, तो ये जो Na है ये बस इसी टाइप की गिनती है, 4 हुआ 100 हुआ 200 हुआ 500 हुआ, बस Na की वैल्यू फिक्स कोई है कितनी है, 6.02 × 10³, लेकिन है नंबर एक। ठीक है, 1.2 Na अगर हमारे पास आए हैं तो 1. सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर जैसे
जो 1.2 ऑक्सीजन के एटम है वो ज्यादा है, लेकिन SO2 में 0.6 Na है, वो कम कैसे है? यहाँ ऑक्सीजन के 100 एटम है, यहाँ SO2 के 50 कैसे? हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ ऑक्सीजन के 100 एटम है तो ये 50 SO2 के मॉलिक्यूल सही लिखा है? हाँ सर, मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, अभी यही डाउट है बेटा। हाँ। ये बताओ, अगर मैं SO2 के 50 ले लूँ, मैंने 50 SO2 ले लिए, ठीक है, अब मैं इसमें से ऑक्सीजन काट के अलग करना शुरू करूँ, तो 50 SO2, एक SO2 में से कितने ऑक्सीजन निकालोगे? 2 है कि नहीं है? आपके इस एक SO2 में ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ O2 लिखा हुआ, यहाँ वो O अकेला है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये O2 का मतलब ये हुआ, यहाँ ऑक्सीजन अकेला ही है, तो एक SO2 को काटूंगा तो 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, ऐसे 50 SO2 काटूंगा तो कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 100। क्या आपको ये सीधा ऐसे सीधा जा रहे हैं? आप इसको उल्टा लेकर के आओ कि अगर ये 100 मिल रहे हैं तो ये कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। अब बेटा समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं टोटल? 1.2 Na ऑक्सीजन एटम है। अब मैं जो यहाँ 0.6 Na लिखा रहा हूँ, वो SO2 के बारे में लिख रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन नहीं कम कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1.2 Na हमारे पास ऑक्सीजन, ये अंडे जैसा जो बना हुआ है, ये 1.2 Na के बराबर है, मतलब काउंटिंग में 1.2 Na है, तो 1.2 Na के लिए SO2 कितना चाहिए होगा? 0.6 है, तभी तो दोगुना करोगे इतना आएगा। अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, यानी 1.2 Na का मतलब कितना हुआ? 0.6 Na SO2 मॉलिक्यूल है, डन। मतलब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया, कितना है ये हमारे पास? 0.6 Na मॉलिक्यूल है, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए। अब हमें जाना नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हमें पहुंचना वहां है कि यहां से यहां जाने के लिए क्या करते हैं हम Na से भाग देते हैं, नहीं करते हैं? अब देखो पुराना जो मैंने चौराहे वाला चार्ट बनाया है, ठीक है, यहां से यहां अगर हमको जाना तो Na से भाग दो, यहाँ Na लिखा हुआ, Na से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.6 मोल आ गया, ठीक है। अब मोल से हमें कहां जाना है? वेट पे जाना है, तो मोल से वेट पे जाने के लिए क्या करते हैं हम? मोलर मास का मल्टीप्लाई करते हैं, तो SO2 का अगर मोलर मास निकालोगे तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी वो भी टोटल 32, यानी कितना होगा? 64। यहां से यहां जाने के लिए क्या करोगे आप? 64 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 4 24 एंड 38.4 ग्राम इज द सर। 38.4 आंसर तो आ गया था पर सर ऐसे नहीं आया। अच्छा, ऐसे नहीं आया, कैसे आया सर? जैसे 64 निकाल लिया था मैंने इसका वेट टोटल मास, हाँ, मोलर मास निकाल लिया था SO2 का, तो सर फिर थोड़ा जो इसमें बताना था कि तो मतलब 1.2 Na ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या कंटेन करेगा, हाँ, तो सर मैंने दोनों ऑक्सीजन का मास लेके 32 को 1.2 Na से मल्टीप्लाई कर दिया था तो भी यही आया था आंसर। हाँ सही आएगा बेटा, सही आएगा, वो सही है कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल सही है। आपने क्या किया कि 32 को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट आपने क्या किया, 1.2 Na है, ठीक है, तो yes, आपने उसमें ऑक्सीजन के मास का 32 का मल्टीप्लाई कर दिया सर। नहीं, और 32 का नहीं, 16 का मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16, वो सिर्फ ऑक्सीजन का वेट बताएगा, सल्फर का वेट नहीं बताएगा, करने पे तो गलत आ रहा है। हाँ 16 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ SO2 में सल्फर का वेट बताया, ऑक्सीजन का वेट बताया, कि अगर SO2 में सिर्फ हम ऑक्सीजन जोड़े तो ऑक्सीजन कितना वेट खाना चाहिए, वो भी अभी हम निकालना सीखेंगे कि हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते, कि SO2 का इतना ग्राम दे दिया तो उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, वो भी हम आगे निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी काम किए, जैसे आपने आपने क्या किया
कि ऑक्सीजन के आपके नंबर ऑफ एटम पता चले, आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, ऑक्सीजन एटम के, O2 के नहीं, ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल निकाले कितने हैं 1.2, क्योंकि Na से आपने भाग दे दिया, तो वो ऑक्सीजन एटम के मोल है 1.2 मोल, आप उसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन का वेट आएगा ग्राम में, ठीक है, इसलिए गलत आया। चलिए आगे चले, ठीक है भैया, नोट कर लिया सबने, सर एक और क्वेश्चन आपने दिया था, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ SO3, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ SO3, ठीक है, चलिए समझते हैं। अब जिस बच्चे ने यहाँ पे जो किया है ना, वो हम यहाँ करेंगे, अभी थोड़ा समझिएगा कैसे करें। देखो SO3 में अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का मास चाहिए 16 ग्राम में, तो हम क्या करेंगे कि जो हमको वेट गिवन है, जैसे कभी भी रास्ता वेट वाला मोल से होके ही जाएगा, आप कुछ भी करोगे, तो 16 ग्राम SO3 दिया है, तो आप पहले पीछे आओ मोल पे, SO3 का अगर मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, सल्फर का मास कितना था 32 और ऑक्सीजन 48, कितना है 80, ठीक है, यानी अगर इसके मोल्स निकालोगे तो मैं सीधा लिखा 16 डिवाइडेड बाय 80, जितना गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आया बेटा 1/5 मोल, ठीक है। चलिए अब अगर सेपरेटली अगर आप करो तो एक चीज मैंने आपको क्या सिखाया, 1/5 मोल का मतलब कितना हुआ, 1/5 Na मॉलिक्यूल, ये हुआ, ठीक है, 1/5 Na मॉलिक्यूल में सल्फर कितना है, 1/5 Na एटम किसके हैं, सल्फर, ठीक है, 1/5 Na मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, आंसर है 3/5 Na ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब आपसे मास किसका पूछा, ऑक्सीजन का, अब आप Na आप ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 16 AMU कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो हमें ये पता है कि Na into AMU कितना आता है, 1 ग्राम आता है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है ना पहले से, कि Na और 1 AMU को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ग्राम आता है, यस सर, ठीक। चलिए इसका मतलब 3/5 मल्टीप्लाई बाय Na, ऑक्सीजन एटम का मास कितना 16 मल्टीप्लाई बाय AMU जो भी इसका है, ठीक है, या 16 AMU, तो Na और AMU हटा दो ग्राम में हो गया, आंसर क्या है आपका 48/5 ग्राम इज द 9.6, ठीक है। दूसरा मेथड है, एक लाइन बता रहा हूं, ये Na मत यूज करो, सिंपल सा तरीका, SO3 का मतलब क्या हुआ, कितना है हमारे पास 1/5 मोल है। देखो ये मेथड था लॉन्ग, आपको एक एक एटम सेपरेट करके मैंने समझा दिया क्या किया है हमने, अब ये शॉर्ट में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1/5 मोल क्या है, SO3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं 1/5 SO3 मॉलिक्यूल की बात करूं, इसका मतलब 1/5 मोल मेरे पास क्या है, सल्फर एटम है, और 3/5 मोल क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा, ये क्लियर समझ में आया जो मैंने लिखा है,
ठीक है। ये मैंने कहां से लिखा, देखो अगर मैं ये जो नंबर ऑफ एटम है इनको एन ए से भाग दूं तो नंबर ऑफ मोल आता है, और 3/5 एन ए लिखा है इसको भी एन ए से भाग दूं तो तब भी नंबर ऑफ मोल आता है, यानी 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम। अब ये बताओ एक मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, एक मोल ऑक्सीजन वेट 16 amu। बेटा एक मोल बोला है मैंने, एक एक एटम नहीं बोला है, एक मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम। हाँ 16 ग्राम, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम, इधर आपका आंसर क्या है 48 डिवाइडेड बाय 9 मिनट का लोड आउट क्वेश्चन और 9 मिनट का लिया। फिर आगे चलें। अब एक चीज और समझते हैं, देखा आप में से कुछ लोग एटम मॉलिक्यूल में कंफ्यूज हो। देखो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन एटम एग्जांपल लेता हूं, जब मैं कहूंगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम दैट इज इक्वल टू 16 amu, 16 amu का मतलब 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक, जब मैं कहूंगा मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम तो मतलब क्या है इसका, 16 वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये हमने क्या लिखा है, मोलर मास लिखा है, इसी को हम कहते हैं आपका मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, एक मोल वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का आपको मास बताना है। तो ऑक्सीजन एटम के का मास क्या है, ये रहा, ये किसका मास है, ऑक्सीजन एटम का मास। अब ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि एक बकेट है उसमें एक बॉल डालिए 5 ग्राम की, अब वैसे ही मैंने 20 बॉल डाल दी उस बकेट में तो उस बकेट का वेट कितना हो गया, उस या टोटल बॉल्स का वेट कितना हो गया। वैसे ये भी है, जब मैं एक ऑक्सीजन एटम की वेट की बात कर रहा हूँ मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ मतलब उस बाल्टी में हमने कितने ऑक्सीजन एटम डाल दिए हैं इतने। अब इनका टोटल वेट आप बताओगे तो ये रहा आपका टोटल मोलर मास। ठीक है, अब मैं एक रेड पेन से मार्क आउट कर रहा हूं, अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं ठीक है, जब उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है,
उसको डाउट लगेगा सॉल्व करके देखेगा, ये 27 है 24 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है 1, यानी बचा हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ 16, आंसर क्या है 16 ग्राम, मतलब वैल्यू में सेम रहेगा, यूनिट बदल जाएगी। हमारे पहले एक एटम का कितना वेट था 16 amu, फिर एक मोल का कितना वेट हो गया 16 ग्राम। ठीक है, अब जिसको भी इस पॉइंट पे डाउट होगा वो दोबारा पूछ लेगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, अगर बात करें तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको ऐसे वर्ड में लिख के दिया, मतलब ऐसे कंप्लीट वर्ड में लिखा, कहीं सिंबल नहीं रिप्रेजेंट किया, तो ये वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन का O2 की फॉर्म में, यानी किसकी बात कर रहा है, ये O2 की बात कर रहा है। तो O2 का वेट कितना, एक मॉलिक्यूल का निकालो कितना, एक एटम का 16 amu, तो दो एटम का कितना होगा 32 amu। 32 amu का मतलब 1 amu कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, दैट इज 32 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, जब मैं यही कहूंगा मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि 1.67 × 10⁻², ये तो 1 मोल होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई 1 के बराबर आएगी, यानी हमारा आंसर अब सीधा मैं लिख दे रहा हूँ क्या आएगा 32 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑक्सीजन गैस, तो जब भी आपको यहाँ लिखा ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ मिलेगा तब आपको क्या लेना है O2 लेना। चलिए नोट कर लिया सबने, अब आगे चलते हैं बेटा। अब डाउट शायद किसी का नहीं होगा, आइटम कब पूछा जाएगा, कब मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, आपको कब कहाँ क्या रिएक्ट करना है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं गैस इक्वेशन है, इसे कहते हैं आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होता है, अभी आप दिमाग लगाना,
ठीक है, आपका आएगा स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें समझेंगे आइडियल गैस किसे कहते हैं। रियल गैस, आइडियल गैस आप समझ लो ऐसा गैस जिसका कोई वॉल्यूम नहीं हो, जिसका कोई मास नहीं हो, आराम से घूमे टहले, दीवार से भिड़े, ये सब आइडियल गैस होती है। ठीक है, चलिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, उसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब लोगों ने, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, सिंबल क्या है ये भी पूछ रहा हूँ, ये फॉर्मूला कितने लोगों ने सुना है? अरे एक लोग तो हाँ कर दो, छोटे का सुना है, दो लोग है। अच्छा, तो आप वैसे कोई एक भी जिसको पता हो इसके सिंबल बता दो क्या क्या है, मतलब तो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर पी मीन्स प्रेशर एंड बी मीन्स वॉल्यूम एंड एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू पता है एक दो? सर 0.0821 समथिंग। ठीक है, चलो सही है, बहुत अच्छा, इतना पता बहुत बढ़िया। चलिए अगर PV equal to nRT लिखा हुआ है तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। चलिए मैं बताता हूँ, P का मतलब क्या होता है, प्रेशर आपका, V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लेते हैं, गैस है तो कंटेनर का ही लोगे आप, ठीक है, आइडियल गैस की कोई भी गैस हो आप उसको डब्बे में बंद करके छोड़ दो तो किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, कंटेनर का। ठीक है, तो पर्टिकुलर गैस आइटम का हम कोई वॉल्यूम नहीं लेते। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, गैस के। आर क्या है आपका, गैसियस कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, अभी हम देखते हैं किसके टाइम क्या। टी क्या है, टेम्परेचर, किसमें रहता है टेम्परेचर, केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं, 273 ऐड करके। आर की वैल्यू एक दो बता देता हूं, अगर हमने प्रेशर P की वैल्यू किसमें ली है, एटीएम में ली है, और वॉल्यूम अगर हमने लीटर में लिया है। हम कुछ लोग कहेंगे सर वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, SI यूनिट वॉल्यूम की लीटर नहीं होती है। आप लोगों ने टेंथ में 6-7 यूनिट पढ़ा होगा, जो भी उसमें कहीं पढ़ा था लीटर कहीं किसी की यूनिट आती है। ठीक है, तो SI यूनिट आपकी लीटर नहीं होती है, हम मेजर करते हैं लीटर की टर्म में, लेकिन लीटर नहीं होती है सर। तो प्रेशर हमने क्या किया, एटीएम, वॉल्यूम क्या लिया है, लीटर में। ठीक है, इस केस में आर की वैल्यू क्या आती है, 0.0821 ठीक है, पूरी यूनिट लिख देता हूं, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। आप ये सब चीजें कैसे करते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, यूनिट एंड डायमेंशन में उसे आप पढ़ोगे कैसे यूनिट मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, अब अगर आपने प्रेशर किस में लिया, पास्कल में लिया। पास्कल क्या होता है, बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स। ठीक है, ये पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये आपके SI यूनिट है प्रेशर। आपने प्रेशर किस में लिया, पास्कल में लिया, वॉल्यूम किस में लिया, मीटर क्यूब में। ये दोनों आपके SI यूनिट है। इस पर्टिकुलर केस में आर की वैल्यू आपकी आती है 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड। ठीक, अब अगर हम प्रेशर आपका लेते हैं डाइन में, डाइन मतलब एक सीजियस में लेते हैं, और वॉल्यूम अगर हम लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, तो आर की वैल्यू आपकी होती है 2 कैलोरी मोल इनवर्स एंड कैलोरी। आपको यूज अभी यही करना है, या फिर केमिस्ट्री में यही चलेगा, ये आपको यूज करना, आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मिलेगा वहां यूज करना है। ठीक है, आगे आएगा थर्मोडायनेमिक्स, ये मन मर्जी वाला है, कहीं भी रख जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में लिख के देगा,
आर की वैल्यू उस हिसाब से लिख करके देगा कि क्या यूज करनी है। आप यूज चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चलें। बोर्ड क्लियर नहीं है क्या बेटा, ब्लर आ रहा है क्या? नहीं सर अभी क्लियर नहीं आ रहा था, वो हो गया क्लियर से। सर ठीक है, चलिए अब एक तो यूनिट और लिखवा देता हूँ। चलिए अब आप बाकी यूनिट हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। एक चीज हम मैं ये बेसिकली इसलिए आपको समझा रहा था, एक हम लोग टर्म पढ़ते हैं जिसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम, या फिर कहते हैं उसे वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री केल्विन नहीं है, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। और प्रेशर हमारा कितना रहता है? 180। ठीक है, चलिए आप समझते हैं होता क्या ये एसटीपी वाला फंडामेंटल लेकर के। हम एक चीज डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस ऐसे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। ये कैसे आता है? ये स्टेप्स होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया, प्रेशर आपके पास कितना है 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना हमें नहीं पता, एन कितना है हमें 1, अनमोल के लिए बात हो रही है, आर की वैल्यू क्या लेनी है 0.0821। 0.0821 क्यों लिया बेटा? क्योंकि हमें वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? लीटर में। तो वॉल्यूम में किस में लेके आना है? लीटर में। प्रेशर हमें किस में दिया हुआ है? 1 एटीएम के द्वारा, ठीक है? तो पीवी इक्वल टू एन आर, टी की वैल्यू कितनी है 273। ठीक है, यहां से आप वॉल्यूम की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आती है 22.4 लीटर। ठीक, दैट मींस 1 मोल गैस एसटीपी में वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4। इसी की जगह एक और चीज हम लिखते हैं एनटीपी, हालांकि अब नहीं यूज करते लेकिन आपको पुरानी बुक्स में मिलेगा। इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
टेम्परेचर इसमें कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है इसमें 1 atm। ठीक है, इसके लिए भी आप वॉल्यूम अगर लिखना होगा यूनिट मोल के लिए तो आएगा 22.4 लीटर ये एग्जैक्टली 22.7 लीटर आता है लेकिन हम यूज 22.4 ही करेंगे जब तक आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा। ठीक है, हम यूज क्या करेंगे 22.4 एग्जैक्टली अमाउंट क्या आता है हमारा 22.7 लीटर अलग अलग आता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बदल दिया 293 हो जाएगा आपका आंसर बदल जाएगा लेकिन यूज करते हैं 22.4 यूज करते हैं। कभी आप जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एसटीपी एंड टीपी अगर क्वेश्चन देगा तो एक मोल गैस का वॉल्यूम आप कितना निकलेंगे 22.4 लीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल मैं पूछता हूं आप लोग बताइएगा। ये बताइए सभी लोगों को ये पता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है इनफाइनाइट होता है सबको पता है। गैस को किसी भी कंटेनर में डालो गैस उसका शेप या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है शेप तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम उसके कंटेनर के बराबर हो जाता है। फिर हम ये 22.4 लीटर निकाल के आए हैं कंटेनर तो 1 लीटर का ले लो उसमें भी 1 मोल गैस बंद हो जाएगी कंटेनर 50 लीटर का ले लो उसमें भी 1 मोल गैस आ जाएगी फिर 22.4 क्या चीज है। बेटा 1 मोल गैस आप 50 लीटर के भी डब्बे में रख दोगे ना तब भी वो वॉल्यूम आपका 50 लीटर ही आएगा और 1 लीटर के डब्बे में रखोगे तब भी 1 लीटर ही आएगा। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। देखिए ये इस टाइप से है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है यहां में एक पिस्टन लगा रखा है। ये पिस्टन क्या है ऊपर नीचे मूव कर सकता है मतलब एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, मतलब ये पिस्टन ऊपर नीचे से खिसक सकता है जैसे इंजेक्शन में लगा होता है ना वो जिसको दबा के डॉक्टर सुई लगाता है वैसा समझ लो पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन अपने आप नीचे ऊपर जा सकता है फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैंने इसमें 1 मोल गैस भर दी। ठीक है, और इसका टेम्परेचर मैंने रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब कोई मत ये मत कहने लग जाना 0 डिग्री सेल्सियस में तो बर्फ बन गया। क्या साउंड क्लियर नहीं आ रही क्या सबको? क्लियर है? चलिए ठीक है, मैंने इस कंटेनर में 1 मोल गैस का कंटेनर का टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, अब इस कंटेनर को मैंने कंप्रेस कर दिया। क्या किया मैंने? कंप्रेस किया है ऊपर वाले पिस्टन को। ठीक है, अब इसी छोटे से जगह में ढेर सारा हो गया।
इसमें आपका एक मोल गैस है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी भी, हमने टेम्परेचर नहीं बदलने दिया। अभी हमने क्या किया, बाहर से एक एटीएम का प्रेशर लगा दिया क्योंकि हमसे क्या कहा हुआ है 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए, मैंने बाहर से 1 एटीएम का प्रेशर लगा दिया। अब इसको छोड़ दिया, क्या क्या पहले मैंने बाहर से एक्सटर्नल अपनी तरफ से फोर्स लगाकर पिस्टन को दबा दिया जहां तक दब सकता था। गैस का अमाउंट कितना रखा था, 1 मोल रखा था। टेम्परेचर कितना रखा था, 0 डिग्री सेल्सियस रखा था। देखिए आइडियल गैस की एक खासियत है कि वो आप कितना भी दबा लो वो लिक्विफाई नहीं होती। आपके घर पे जो एलपीजी आता है वो रियल गैस है, मतलब मीथेन एथेन प्रोपेन जो भी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, उसको आप कंप्रेस करो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। आइडियल गैस लिक्विड नहीं होती है, ठीक है। तो जब हमने इसको चाहे जितना दबा लो, एक टाइम के बाद दबना बंद हो जाएगा लेकिन लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। तो 1 मोल गैस था, इसको हमने कंप्रेस करके ला के यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से फोर्स हटाऊंगा लेकिन बाहर मैं 1 एटीएम का फोर्स लगा हुआ छोड़ दूंगा। अब आपको ये बताना है कि देखो ये पिस्टन तो ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, सबको समझ में आ रहा है, ये जो पिस्टन लगा ये ऊपर जाएगा क्योंकि अंदर का फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। बाहर हमने 1 किलो का बाट रखा है जो 1 एटीएम लगा रहा है, मान लो छोटा सा हमने ईट पत्थर कुछ रख दिया जो 1 एटीएम का प्रेशर लगा रहा हूँ। अब ये बताओ पिस्टन कहाँ पे जाके रुकेगा, ये फाइनेटली लंबा साया सा नहीं, ढक्कन तोड़ के बाहर आ गया, साइड वाली दीवार तोड़ के बाहर आ गया, कितना भी जा सकता है। अब आप ये बताओ कि ये पिस्टन कितनी दूर, मतलब कितना ऊपर आके रुकेगा, उसके लिए कंडीशन क्या लगाओ, कब रुकेगा ये पिस्टन। बाईस पॉइंट चार लीटर पर नहीं बेटा, वो तो हमें पता ही नहीं 22.4 लीटर कहाँ है। मैं सवाल सबको समझ में आया, बेटा मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना क्या चीज है। सर रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया बाहर से फोर्स लगा के, जहां तक कंप्रेस हो सकता था वहां लास्ट तक, अब मैं अपना फोर्स हटा लूंगा लेकिन बाहर से मैं एक 1 एटीएम के बराबर या फिर कह लो 1 किलोग्राम का मैं बाट रख दिया ताकि इस पे एक पर्टिकुलर प्रेशर बना रहे और प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम के बराबर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जब ये प्रेशर अब अंदर से फोर्स ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है पूरा दबा दिया तो, ठीक है, किस पॉइंट पे आके ये पिस्टन मान लो इतनी दूर आके कब रुकना चाहे, मतलब कब रुकेगा वो, क्या कंडीशन आप लगाओगे। बेटा नहीं इसका पता है, कोविड का भले नहीं पता हो इसका पता है कि हाँ ये कब रुकेगा, और कोविड वाले का भी पता है कि साल दो साल में वैक्सीन बन जाएगी रुक जाएगा वो। आज कितनी तारीख है, आज है आज 20 20, कल तो वैसे भी दुनिया खत्म हो रही है कल भी न्यूज देखा था, पता नहीं कौन सा क्या मायावर कैलेंडर कुछ ऐसे था, उसी के अकॉर्डिंग कुछ बता रहे थे कि कल दुनिया खत्म हो जा रही है। ठीक है तो हो जाना तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो आम के अचार डलना है और ये कल दुनिया खत्म कर रहे हैं। जेई कैसे क्लियर करोगे बेटा, मेरी मम्मी को तो ये टेंशन है कि उसके आम, उनके आम खराब हो जाएंगे, इतना अचार डाला है सब किस काम आएगा। सब क्या नहीं हुआ 25,000 वेस्ट नहीं हुआ चलो जब हो जाएगी तब देखा जाएगा, मैं पहुंचवा दूंगा। चलो देखो अंदर से ये जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया
ठीक है, ये किस पॉइंट पे रुकेगा, जब बाहर से लगने वाला फोर्स और अंदर से लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे। समझ में आया किस पॉइंट पे रुकेगा, जब बाहर से लगने वाला फोर्स और अंदर से लगने वाला फोर्स दोनों का दोनों जिस पॉइंट पे बराबर हो जाए वहां पर आप ये पिस्टन मूव करना बंद कर देगा। यानी अगर आपने बाहर से 1 atm लगाया है, ठीक है, अब ये ऊपर भागना शुरू करेगा, यहां तक मान लो पहुंच गया, यहां तक पहुंचा, तो बाहर से अभी भी उतना ही 1 atm और कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, आपने 1 kg का बाट रख के भाग गए थे आप, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, ये गैस ने धक्का लगाया, इसको ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, कब तक करेगा, जब तक अंदर भी गैस का प्रेशर क्या ना हो जाए 1 atm के बराबर, फोर्स बैलेंस हो गया। अब किसी भी डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं होगा, कहीं भी कोई नहीं जाएगा, सब अपनी जगह रुक गए। अब जहां रुक गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो वो आंसर आता है 22.4 liter। समझ में आया, ये पिस्टन ऊपर भगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया, जिस पॉइंट पे रुका उसके नीचे जितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसे हम कहते हैं आपका वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 1 mole गैस। ठीक है, अब जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुकर में पहले पानी रख के बंद कर दो, गैस को धीमा रख कुक करो, धीरे धीरे उबलता, हल्का हल्का प्रेशर बनता है, तेज कर दो, ज्यादा जोर का प्रेशर बनेगा तो ज्यादा जल्दी सीटी आती है, तो वैसे इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाओगे जल धक्का मारेगा थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 22.7 liter, और टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, अगर आपने प्रेशर 1 atm कॉन्स्टेंट रखा है। ठीक है, आप बाहर से कोई और फोर्स लगा दो वॉल्यूम का, मतलब 2 atm कर दो बाहर से, तो आपका वॉल्यूम एट इसी पर्टिकुलर प्रेशर पे कम हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया सबको 22.4 liter कैसे आता है। वैसे चिंता मत करो, ये फोर्स बैलेंस करने वाला फिजिक्स में खूब पढ़ोगे, फॉर्मूला एक छोटा सा पढ़ा होगा 10th में, F = ma। ठीक है, ये न्यूटन ने अफलातून जैसा फॉर्मूला दिया है, देखने भी और 3 कैरेक्टर, मतलब देखो तो ऐसा लगता है क्या बेचारा सा आदमी है, मतलब फॉर्मूला भी है कि मजाक बना रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आपको पूरे 5 chapter की फिजिक्स पढ़वाएगा। ठीक है, लास्ट में रोटेशन तक यही घूमेगा। जैसे 11th की फिजिक्स इंटरेस्टिंग है काफी, अगर आपको फील आता है और चीजें समझ में आती होंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंटरेस्टिंग है, 12th में रटने वाली आएगी थोड़ी, 11th में सब समझने वाला है, सब जितना बुद्धि लगा सकते हो सब दिमाग सब खोल के बैठना। ठीक है, आपको बताएगा फिजिक्स की कितनी दूरी के बाद अगर आपको ढकेल दिया है तो कितनी दूरी बाद आप गिरोगे। ठीक है, पत्थर किसी एंगल पे मारोगे कि कितनी दूर से मारोगे और कितने स्पीड से मारोगे कि आप आम तोड़ ले जाओ, पता नहीं आपके आम होते कि नहीं, हमारे यहाँ तो होता है। ठीक है, समझ, अभी क्लास लेने के बाद कोई काम दम नहीं होता है तो वही करते हैं, अपने पेट पे तोड़ते हैं, अपने पे तो नहीं तोड़ते, पड़ोसी पे तोड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, चोरी करके खाने में ज्यादा मजा आता है। चलिए अब हम आते हैं अपने काम के सवाल, काम के सवाल में नहीं, पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना बताता हूँ, एक और चौराहा बनवाता हूँ, यह आपका फाइनल है, फाइनल इन द सेंस का मतलब अब मोल से रिलेटेड कोई और भाई साहब नहीं आएंगे, 3 हो गए, एक हमारे पास नंबर ऑफ एटम हो गया, एक हमारे पास मास वाला टर्म हो गया, एक हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी वाला टर्म हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं, अगर मोल से आपको वेट जाना हो, मतलब वेट निकालना, तो हम क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, कहां जाना है हमें, मोल से इधर, मतलब एरो इधर रहेगा। ठीक है, वेट से मोल आना है अगर, तो हम क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, एक और पढ़ा था क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, यहां भी हमने क्या किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पता है हमें मोल जाना है, ऐसे पी बनाओ इधर से इधर, ठीक है, मोल से इधर जाना है तो क्या करोगे, एन एस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर आना है तो क्या करो, एन एस से डिवाइड, यहां तक हमने पढ़ लिया था।
अब एक और टर्म आपका जोड़ लिया, वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है। देखो एक मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, यानी मोल से अगर वॉल्यूम एट एसटीपी आना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से। इधर से इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड। ये आपके अभी तक जितना 3 लेक्चर में पढ़ा है ना, सब ये पढ़ा है। अगर किसी ने पहले 2 लेक्चर मिस किए हो तो वो ये याद रख लें। अब मिस किया है थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ कि एग्जांपल नहीं पढ़े होंगे, बाकी अदरवाइज ये फॉर्मूला याद कर ले, इसका काम हो जाएगा। इसको वाई मैप कहते हैं जनरली, ठीक है। आप इसको याद कर लो, ध्यान रखो, बार बार इसको देख देख के करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक बार आंख बंद कर लिया फिर शुरू हो गए बंद करना, देख देख के करो, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। नोट के लिए सबने आगे चले, चले। इसमें आपका मोल क्या है, आपके इसका हार्ट है, मतलब आपको कहीं भी जाना है, आपके शरीर में कहीं भी खून अगर चलेगा तो बिना हार्ट के नहीं जाएगा, तो ये आपका मोल है, ठीक है। आपको कहीं से भी यहां से यहां जाना है तो आप मोल से होके जाओगे, यहां से यहां जाना है तो मोल से होके जाओगे, इधर से इधर आना है तब भी आप मोल से होके आओगे, ठीक है। ये आपका हार्ट है मोल, इसमें इस तिराहे में सब जगह जो भी भेजना होगा यही भेजेगा। चलिए तभी किसी का नाम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, डोरेमोन लग रहा है। सही है, डोरेमोन ही समझ ले, याद कर लेना बस डोरेमोन। बट चलिए नोट कर लिया सर, मिटा दीजिए डोरेमोन को अब आपके। चलिए ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं आपके। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम CO2 एट STP। चलिए इसका आंसर बताइए।
11.2 लीटर, ठीक है। चलिए अब अपने चौराहे को याद कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ वेट था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, यहाँ एसटीपी था। तो वेट से पहले आप मोल आओगे, तो वेट से पहले मोल पे, इसका मोलर मास अगर आप निकालो कितना आएगा, 44 ग्राम, ठीक है। 22 ग्राम आपके पास है, यानी मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, गिवन मास या फिर कह लीजिए वेट अपॉन मोलर मास। वेट आपके पास कितना है या फिर गिवन मास कितना है, 22 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है, 44, यानी कितना है, आधा मोल, ठीक है। अब मोल से कहां जाना है आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी पर, दैट मीन्स वॉल्यूम एट एसटीपी क्या करते हैं, 22.4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 × 22.4 लीटर, 2 से भाग दो, आंसर क्या आएगा, 11.2 लीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, यूनिट लिख देता हूँ, कभी फंस जाओ तो काम आएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये कई बार गड़बड़ हो जाता है, हम जनरली क्या करते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कर देते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। तो ये सही है, ये नहीं सही, मतलब यहाँ पे 1000 हो जाएगा। इसी सेंटीमीटर क्यूब को आपको कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 1 cc। अच्छा ये तो सुना होगा ना, 225 cc की बाइक है, 160 cc की बाइक है, वो सीसी का मतलब यही होता है, ठीक है। ये सीसी का मतलब ये होता है, वो इंजन का जो बर्निंग होता है ना, जिसमें जिस वॉल्यूम में वो बर्निंग वाला वॉल्यूम होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो आप बाइक सुनते हो 110 cc, 109 cc, उसमें क्या होता है कि जहां पे आपका पेट्रोल में आग लगती है, जहां पेट्रोल आपका फूकता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जितना बड़ा रखोगे तो पिस्टन आपका जैसे मूव करेगा, अगर इसमें जितनी तेजी से मूव करेगा उतना एक फोर्स जनरेट करेगा, उतनी बाइक आपकी तेज भागेगी, ठीक है। तो मैकेनिकल वाला पढ़ना होगा तो अच्छे से पढ़ना, कंबशन, हाँ कंबशन वही आग लगना, ठीक है। अब स्पार्क प्लग नहीं आता, लेकिन स्पार्क प्लग का काम ही वही होता आग लगाने में, नहीं अभी आपको पता नहीं चला इंजन कैसे काम करता है ये आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, इस इंजन देखने को मिलेगा कि उसमें ऐसे बना होता है, कि आपको मिलेगा कि फोर स्ट्रोक क्या होता है, 3 स्ट्रोक क्या होता है, पहले सेमेस्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अगर अच्छे कॉलेज में रहोगे तो देखने को मिलता है कि आपको इंजन का एक सैंपल दिखाते हैं कि मॉडल ऐसा ऐसा होता है, कुछ नहीं रहेगा तो आप थ्योरी पढ़ लेना, और नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर जाओगे तो, दोनों कॉलेज में फर्क यही होता है, ठीक है। आप IIT में पढ़ोगे तो आपको टीचर कुछ नहीं पढ़ाएगा, सब आप खुद पढ़ के पास हो जाओगे, ठीक है। NIT में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको टीचर कभी कभी पढ़ाएगा, बाकी आप खुद पढ़ के पास हो जाओगे, तो मैं यहीं का पास आऊंगा, ठीक है। फिर आप इसके बारे में मुझे डिटेल से पता है कि मैं यही पढ़ाऊँ, फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, उसमें आपको टीचर बहुत पढ़ाएगा पर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तीनों कॉलेज में ये फर्क है, डिग्री तीनों सेम देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जैसे जैसे जाओगे, और यहाँ का मैं ड्रॉप आउट IIT का, वहां मैं मास्टर्स करने गया था, एक हफ्ते घूम घाम के चला आया। मिलना ऑफलाइन क्लास में, कभी बातें होंगी तो बात किया जाएगा। ऐसे अच्छी जगह है, IIT सारी की सारी बढ़िया है, ठीक है। कैंपस दुनिया भर के बड़े बड़े से होते हैं, ठीक, जाओ आराम से खो जाओ, कैंपस के अंदर अलग से टेम्पो चलना होता है, तो जाना। अगर IIT जाओगे तो 2-3 साल बाद मेरा भी मन हुआ तो मैं दोबारा मास्टर्स करने आऊंगा, घूमने लायक अच्छी जगह, तो छुट्टी मनाने जरूर आऊंगा। एक पेपर होता है JMKMS करने के लिए केमिस्ट्री से, तो मैंने किया था, IIT बॉम्बे गया था, एक हफ्ते घूम के आया था, उस टाइम कुछ और प्लान था। अब की बार जब जाऊंगा तो 6 महीने घूम के आऊंगा,
जगह बहुत बढ़िया, कॉलेज के अंदर झील है, ठीक है, तो इसलिए मेहनत ज्यादा करना, 2 साल की मेहनत है, नाम भी अच्छा मिलता है, काम भी अच्छा मिलता है, और बदमाशी भी अच्छी करने को मिलती है वहां पर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O लिक्विड एट STP। इसका जो आंसर बताएगा उसको एक वर्चुअल चॉकलेट दूंगा, बस लिख दे नहीं सकता तो वर्चुअली ले लेना। चलिए आंसर बताइए जल्दी फटाक से, जीरो पॉइंट जीरो एट NA। कैलकुलेशन करने लग गए क्या 22.4 लीटर से? ये सवाल फंसाने वाला था, ठीक है, कैसे फंसाने वाला था, हमने जो पढ़ा है STP पे वॉल्यूम बेटा वो किसके लिए पढ़ा है पहले ये ध्यान रखो, जो हम STP वॉल्यूम निकाल लेते किसका निकाल लेते, कोई बताएगा STP वॉल्यूम किसका? गैस का, गैस का, हमें दिया क्या है लिक्विड, मतलब वो तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो बेटा STP का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोई 22.4 लीटर पे अड़ जाओ, STP क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर का नाम है, उसको हमने STP कह रखा है, ठीक है, STP का मतलब ये हुआ, हमें STP देने का मतलब ये नहीं कहा है कि आप STP का मतलब गैस पे ही लगाने लग जाओ सब कुछ, STP का मतलब ये है कि हमसे कहा है 1 ATM प्रेशर है और 273 केल्विन टेम्परेचर है, बाकी इसका कोई और मीनिंग अदर मीनिंग नहीं होता, ठीक है, तो H2O लिक्विड 1.8 लीटर दिया हुआ है, ठीक, अब हमें पहले इसके नंबर ऑफ मोल चाहिए, आप इसको ये बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, अरे बता लो, किसी को नहीं पता क्या वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? नहीं पता, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, चलो ठीक है फिर अच्छी बात है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मैक्सिमम होती है, तो आप ये याद रखना
कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर ml होती है और ये मैक्सिमम होती है। इससे कम जाओगे तब भी 1 ग्राम पर ml से कम मिलेगा, ज्यादा जाओगे तब भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये डेंसिटी अब कमी होगी, आप टेम्परेचर आगे पीछे कुछ भी कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में जब भी हम लेते हैं, अगर आपको कुछ नहीं दिया होता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही लेते हैं, टेम्परेचर हमारा कोई भी हो 100 से ज्यादा ना हो बस, ठीक है। तो डेंसिटी हम क्या लेते हैं 1 ग्राम पर ml। 1.8 लीटर का मतलब कितना हुआ बेटा, 1800 ml हो गया, कितना हुआ 1800 ml हो गया हमारे पास। तो 1800 ml वाटर का वेट अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। वेट हमें नहीं पता है वाटर का कितना है, लेकिन हमें वॉल्यूम कितना पता है, 1800 ml है इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, ml से ml मल्टीप्लाई करोगे उड़ जाएगा, यानी वेट ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 1800 ग्राम। तो आप लेते हो ना दूध, दूध लेते हो कहते हैं ना 1 लीटर मतलब 1 किलो लगभग दे दिया, तो 1.8 लीटर का मतलब कितना होगा 1.8 किलोग्राम के अप्रोक्सीमेट हो गया, 1800 ग्राम हो गया, यानी अब मोल्स ऑफ H2O निकालोगे तो क्या आएगा, जितना आपका वेट है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना 18, यानी कितना है आपके पास 100 मोल आया। 100 मोल का मतलब 100 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक। अब आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन पे और 1 ऑक्सीजन पे, तो टोटल कितने हो गए एटम, टोटल एटम आएंगे 300 Na। ठीक है, तो जाते जाते एक सवाल आपको ऐसा थोड़ा सा करा जाऊंगा ताकि आप लोग का लेवल थोड़ा सा अप होता रहे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल इजी इजी ही कराऊंगा, आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में। चलिए आज के लेक्चर में डन करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप। थैंक यू।